ऑब्वियसली नेक काम है और इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। सारे लोग जो हैं दिवाली अपने अपनी फैमिलीज के साथ मनाते हैं, पर जो अपने पूरे स्टाफ और अपने पूरी बिल्डिंग के स्टाफ के साथ में मनाने वाला, शायद मैं पहली बार रोनी को ही देखा है कि ये वाकई में इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग है ना। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे और इसीलिए मैंने सोचा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर, दैट आई मेट ऑल माय फ्रेंड्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ सच अ वंडरफुल गेट टुगेदर दैट आई वुड लाइक टू थैंक रोनी फॉर दैट। बहुत अच्छा है रोनी जी, आपने हम लोग सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया बहुत सालों के बाद, and I think it's a wonderful initiative. I think this probably would become an example to a lot of people. Yes. So बहुत अच्छी बात है, and with lots of love we are all here, and we hope that he continues to prosper and he continues to do this for the whole of India. अरुण सर, जैसे सर ने कहा कि रीयूनियन यहाँ पर हो चुका है आप लोगों का, और सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो इनिशिएटिव मैं कहूँगा इसको कि पूरे बिल्डिंग वाले को और सारे लोगों को इस तरह से दिवाली का गिफ्ट देना, लोग अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करते हैं, रोनी सर इतने सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक फैमिली बन गई है, इट्स लाइक ए फैमिली, और ये आज की बात नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है। रोनी जी कॉल करते हैं, सब आ जाते हैं, अपने काम छोड़ के आ जाते हैं, ये परिवार बन गया है। आपस में प्यार मोहब्बत जो है, जो कि बेसिकली जीने के लिए चाहिए प्यार मोहब्बत और एक आशीर्वाद, वो यहाँ पे मिलता है। और इसी बहाने जैसे कि दीपक ने कहा है कि पुराने यार मिल जाते हैं, कुछ ठहाके हो जाते हैं, कुछ बातचीत हो जाती है, और ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि पूरी बिल्डिंग के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आते हैं, वो भी एक फैमिली की तरह है। बड़े दिल वाला बंदा है जिसका नाम रोनी है, लाली दी जान है, गुले गुलजार है, और ये बड़े दिल वाले लोग जो हैं उनको भगवान आशीर्वाद देता है ताकि वो प्रॉस्पर हों, और इसी तरह से गिफ्ट जो हैं वो बांटते रहे और प्यार बांटते रहे। गॉड ब्लेस। सुनने में आ रहा है कि रोनिक सर अपने स्टाफ को बाहर गांव लेके जा रहे हैं अमेरिका। सुनने में आ गया, आपने सुन लिया। ये वाकई हकीकत है, ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है, ये अपने साथ अपने साथियों को, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जिनका नाम रोनी है, और ये अपने साथियों को लेके जाते हैं, और इसीलिए ये प्रॉस्पेरिटी का एक मंत्र यही है कि आप परिवार के साथ रहते हैं, अपने साथ में लोगों को भी रखते हैं। अब जैसे मुंडे जी हैं, मुंडे जी इनके बहुत पुराने साथी हैं, और भी बहुत लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, हिमांशु हैं, पूरा मीडिया जो है वो एक फैमिली की तरह इनकी, और ये प्रॉस्पेरिटी चलती रहनी चाहिए, सर्कल चलता रहना चाहिए, लोगों को प्रमोशन मिलती रहे, लोग अच्छा काम करते रहे और आपस में जुड़े रहे, तभी तो क्रिएटिविटी होती है। और इनकी मैगजीन, यस यस, इट इज़ डूइंग वंडर्स, या और ये क्या है कि प्रॉस्पर हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। क्वालिटी ऑफ योर मैगजीन इज फैबुलस। यू नो, आई यूज्ड टू बी अ स्पेस सेलर वंस अपॉन अ टाइम, सो आई अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द क्वालिटी दैट यू मैनेज। और ऐसे टाइम में जब डिजिटल ज़माना है, बहुत कम लोग हैं जो इसको, मतलब इसको इस तरह से यू नो पेश करते हैं। आई जस्ट सॉ इट एंड इट वॉज, द क्वालिटी वॉज सो वंडरफुल, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। रोनी सर, आपसे सवाल है कि हाल फिलहाल में आपने एक कंपनी भी ओपन की थी एजुकेशन को, और जो तारीफें हुई है अभी आज, तो खुद के लिए तो सब जीते ना, तुम भी खुद के लिए जीते हो ना, जो दूसरों के लिए जीता वही सच्चा इंसान। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत पर्सन हु लिव फॉर अदर्स, जो दूसरे की खुशियां में जो खुशी है वो किस में नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा कहा। व्हाट इज दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट ना, सो उनके दिल में आप दीप जलाओ प्यार के, राइट। क्या बात है, मतलब इसके यूकेन से एवरीवन इज लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग है, पर आपका जो आर्ट ऑफ लिविंग है, इट्स लाइक आर्ट ऑफ गिविंग, एंड दैट यू फील हैप्पीनेस इज देयर इन दैट। आई डोंट गिव, आई मीन टू से गॉड गिव्स, बट एक जरिया होता है। क्या बात, वो तो हां, दैट यू कैन कॉल आई एम द जरिया, बट आई डोंट गिव, वो देने वाला सब वही है, ही ओनली मेक द लिस्ट। मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, सब मीडिया को और आप सब भाई जितने भी बैठे हुए हैं, हमने अकबर साहब का ज़माना देखा, सब राजाओं को महाराजाओं का ज़माना सुना है,
और आज के इस युग में मतलब अगर कोई वाकई में अपनी प्रजा को और अपने दोस्तों को और अपने वर्करों के साथ अगर जो प्यार बांटते हैं तो वो एक ही आदमी है जिनका नाम है रोनी करोट के साथ, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इनके यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब त्यौहार में एक जैसे होके सब मिलते हैं और सबको बड़े प्यार से साथ में लेके चलते हैं, और ना यहाँ कोई दिखता है अभी जैसे बाहर जो भीड़ देख रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हुजूम है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा गाने के माध्यम से, क्योंकि बोलने वाले तो बोल ही रहे, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। रौनक जी हैप्पी दिवाली जी, रौनक जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं सबसे पहले तो जहाँ जहाँ भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिवाली की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, तीन चार साल से लगातार मैं आ रहा हूँ और ये प्यार आशीर्वाद स्नेह मिलता चला जा रहा है, उसी प्यार उसी आशीर्वाद उसी स्नेह के लिए आज मैं फिर आया हूँ। थैंक यू रौनक जी, एंड सभी मित्र हैं यहाँ पे, सबसे मुलाकात भी हो गई, सबको हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लगता है कि आप तो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़े हो बहुत टाइम से, और देयर इज अ मैगजीन आल्सो, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि आप कोई फिल्म बना रहे हो इन्हीं के साथ, या कुछ ऐसे प्लान है फिल्मों को लेकर प्रोडक्शन में जाने के लिए? नॉट इंटरेस्टेड, हर साल पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी ना कभी हाँ हाँ होगा ना, वही कभी हो सकता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है क्या होगा आपने। नहीं, वो पैसा वो बांटेंगे। सर रौनक सर, जिस प्रकार से आपकी घर की जो साफ सफाई करते हैं कर्मचारी, उनके साथ दिवाली मना रहे हो, कैसा फील हो रहा है सर? मैं तो हर साल बनाता हूँ सर, एवरी ईयर, वही तो आपको एक मिसाल दिया हो, दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए तो सब जीते। बाकी इनका जब आप कोई भी फंक्शन देखोगे, इनका कोई भी फंक्शन देखोगे तो अजूबा होता है, मतलब जब जब भी हम इनके फंक्शनों में जाते हैं, और ख़ास करके मुंडे जी जब हमको याद करते हैं, रमाकांत मुंडे जी, मतलब एक प्यारो नहीं कह सकता हूँ मगर एक जागरूकता है, और एक जागरूक इंसान है कि जो हम सबको लेके चल रहे हैं, सारी मीडिया को लेके चलते हैं, तो रौनक साहब का तो हर फंक्शन ही लाजवाब होता है, अजूबा होता है। बहुत बहुत मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आप लोगों ने बोला ना अमेरिका ले जा रहे हैं, मैं तो दो साल पहले इनका फंक्शन लंदन में अटेंड कर चुका हूँ, जब इनका सारा स्टाफ वहां था, किस तरह उन सबकी टेक केयर की इन्होंने, रियली इसके लिए कोई मिसाल कह ही नहीं सकते हो। यूनिवर्सिटी कैनेडा यूनिवर्सिटी देन ऑस्ट्रेलिया यूके एंड सिंगापुर ऑन द वे वी आर सेंडिंग द चिल्ड्रंस विथ नो हिडन कॉस्ट, मतलब ज़्यादा करके ऐसा होता है दे शो सम कॉस्ट एंड इट गेट सम अदर कॉस्ट एट द लास्ट द पेरेंट हैज़ टू गेट द बर्डन ऑन दिस थिंग, उनके लिए खोला था, नाउ दे आर वर्किंग, सो ऑल माय द अदर व्हाट यू कॉल द सीनियर स्टाफ वो वर्किंग ऑन ए स्टाफ दे वाज बीन गिविंग द गिवन द डायरेक्टर पोस्ट ऑफ दिस कंपनी दे आर हैंडलिंग वन इज कीर्ति कदम एंड सेकेंड इज निशा वर्मा देन द अदर स्टाफ, वो तो मेरे सब स्टाफ है जिनको मैंने प्रमोट करके उनको एक व्हाट यू कॉल इंडिविजुअल दिया दैट यू वर्क हार्ड यू विल गेन इट। रौनक सर, जैसे कि आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो पीबीसी एजुकेशन फाइनेंस सर्विस की बात करें तो किस तरह से पुअर स्टूडेंट को मदद? नो नो, दैट इज व्हेन दे दो सी इट इज वेरी हर्डल टू गेट एन लोन एजुकेशन लोन दिस थिंग विल मेक इट ऑन ईजी टर्म्स it will be through banks only but we will make it to easy terms where they required guarantor so our company can stand has a guarantor to them everything the other facilities we can provide whatever it is in our hand like padega india to badhega india nahi aisa mat bole india all main hai badal aage na sir in us sir in us 80% of the scientists engineer all are indians only wow wow man education pure world mein dominate kar rahe hain yeah Indian education is the best education. Yeah. Sir, is Indian festival education ke Indian kya have such a yes, thing to catch. Yeah. रौनक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिवाली का मौका है, लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से लोगों के लिए? मेरे तो मैसेज सब होर्डिंग में लगा हुआ है सर। आप अगर पढ़ लिए होते तो आप जरूर जान लिया तो व्हाट इज द मीनिंग
वो मीनिंग वही है जो मैंने आपको हिंदी में बोला कि दूसरों के लिए जियो, वो इंग्लिश में तेरा मोबाइल से निकाल के जरा सुना मैंने क्या लिखा हो। मेरा कीर्ति सर सुनाई गए, वेरी गुड। मे बी हैव अ दिवाली दैट लाइट्स अप समवन्स लाइफ एंड हार्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू।